डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी फैक्ट्री। आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके जेई एडवांस 2021 में एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आईआईटी क्रैक करे, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां अगर आप दाखिला चाहते हैं, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक करना होगा। और जेई एडवांस क्रैक करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों टॉपिक को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस को समझना होगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार बनाना होगा और उससे एक सीख लेनी पड़ेगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के थ्रू काफी सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है, नया लगता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। तो क्वेश्चन आया था कि लेट थीटा वन, थीटा टू, थीटा टेन बी द पॉजिटिव वैल्यूज एंगल सच दैट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टेन जो है सो टू पाई के बराबर है। ठीक है, डिफाइन कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जो कि है ई की पावर आई थीटा वन, और जेड के जो दिया हुआ है तो जेड के माइनस वन ई की पावर आई थीटा के दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडवांस का क्वेश्चन में यही पिक्युलरिटी होता है कि आपको काफी सारे स्टफ्स दे दिए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो डील करेंगे फ्यूचर में, वहां आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे जो वहां पे डेटा दिए होते हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। तो काइंडली अगर आप अपना प्रिपरेशन इस लेवल पे सेट करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगा के आप बार बार उस टाइप के क्वेश्चंस को किए हैं, तो वही सारा प्रैक्टिस आपको जेई एडवांस के भीतर में भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे डेटा दे दिया, जेड वन की वैल्यू ई की पावर आई थीटा वन, ठीक है, जेड के की वैल्यू दे दिया है, जेड के माइनस वन ई की पावर आई थीटा के, वेरी गुड, और ये के की वैल्यू कुछ कुछ दे दिया, आई बराबर आप जानते हो कि रूट अंडर माइनस वन होता है। फिर क्वेश्चन ये पूरा का पूरा आपको कहानी बनाया जाता है जेई एडवांस के भीतर में, एक पैराग्राफ लिख देगा, फिर वहां से कुछ क्वेश्चन देगा। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उसके चीजों को डिसाइफर नहीं करेंगे, एलिमेंट्स उसमें क्या क्या दिए हुए हैं, क्या निकालना है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है, ये सारे चीज अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो फिर जेई एडवांस का क्वेश्चन आपसे क्रैक नहीं होगा। जेई मेन का प्रिपरेशन बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल होता है, जेई एडवांस के भीतर में आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे, सो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन एप्लीकेशन होता है, मेनली वही सारे एप्लीकेशन को यूज करवाता है आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ दे दिया, फिर कहानी बनाता है कि P एक ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू, ऐसे डॉट डॉट कह दिया कि टू पाई से छोटा है। तो इसको आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, उसी ढंग से Q स्टेटमेंट दे दिया है जेड स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर, जेड थ्री स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर, इस ढंग से जेड टेन स्क्वायर माइनस जेड नाइन स्क्वायर, जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टेन स्क्वायर लेस देन फोर पाई है। इसका भी आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को डिसाइफर करते हैं कि कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, इस पूरे पहेली को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन को साइड में थोड़ा ले लिया है कि थोड़ा स्पेस बना लूंगा कि इधर क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा और आपको क्वेश्चन का डेटा वगैरह सब दिखते रहेगा स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है कि मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू, ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है। तो कंसेप्ट क्या यूज होगा, कंसेप्ट तो सर वही यूज होगा कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है बच्चे, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं जेड जो है सो ऐसे लिखता हूं, एग्जाम में आपको जो लेटर लिखा होता है ऐसा लिखा होता है, मेरा प्रैक्टिस इसी जेड पे है, तो आप सेम जेड इसको आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, जेड वन माइनस जेड टू का जो डिस्टेंस है, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन एंड जेड टू, जेड वन और जेड टू के बीच का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस है। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होता है, कहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, तो सर आर्गन प्लेन के भीतर में बड़ा अच्छा से हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स के जैसा हमको
दिखाई देता है। ठीक है सर, आर्गन प्लेन क्या होता है? तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को अगर आप बनाएंगे, रियल एक्सिस अगर एक्स एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस अगर वाई एक्सिस है, तो आर्गन प्लेन क्या होता है? वही तो होता है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, वही आपको इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस के बराबर हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंगली, और यहाँ पे आपको आर्गन प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि कोई पॉइंट यहाँ पे Z1 दे रखा है, कोई पॉइंट Z2 दे रखा है, तो Z1 और Z2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सो दैट इज नोन एज Z1 माइनस Z2 का मॉड। इसके बाद क्वेश्चन में आप पढ़िए तो ये दिया है Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2, Z10 माइनस Z10, मतलब अब ये रिलेशन कैसे हम ला सकते हैं, बात इसी पर आके अटक जाती है। ठीक है, तो इसको सोचने के लिए आप वहां देखो कि Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चे। Z1 का वैल्यू दिया हुआ है e की पावर i थीटा 1 दिया हुआ है। चुपचाप आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है Z1 बराबर e की पावर i थीटा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ZK बराबर ZK माइनस 1 e की पावर i थीटा के। इसका मतलब यहाँ से अब सारे फॉर्मूले हैं सो हमको निकलते जाएंगे। Z2 की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी इक्वल टू Z1 इंटू e की पावर i थीटा 2। क्यों? क्योंकि वहां पे आप यहाँ लिख लो फॉर्मूला, ZK बराबर दिया हुआ है ZK माइनस 1 e की पावर i थीटा k दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जेड के नीचे k होगा तो थीटा के नीचे भी यहाँ पे क्या होने वाला है, k होने वाला है। सिंपल सा बात है। तो Z2 बराबर Z1 इंटू e की पावर i थीटा 2। इसी ढंग से Z3 बराबर हो जाएगा Z2 into e की पावर i थीटा 3। इसी ढंग से Z4 इज इक्वल टू हो जाएगा Z3 into e की पावर i थीटा 4 एंड सो ऑन, इट विल गो टिल Z10। Z10 बराबर क्या हो जाएगा सर वैल्यू, Z9 into e की पावर i थीटा 10। ठीक है, इतना हमको सारा कुछ निकल गया कि Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 क्या होने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो आप जरा सा आप दिमाग लगाएंगे तो Z1 को आप लिख सकते हैं क्या, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। z बराबर अगर e की पावर i थीटा होता है तो सर क्या यूज करते हैं इसको, तो हम ये भी बोलते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अगर mod z का अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर mod z का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होने वाला है सर, 1 होने वाला है। क्यों? सबके आगे तो वैसा ही है, e की पावर i थीटा टाइप का ही चीज है, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो ये सारे Z1, Z2, Z3, Z4, Z10 तक का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे Z10 का मॉड और सब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी भी क्वेश्चन खुला नहीं है। क्यों क्वेश्चन नहीं खुला है, क्योंकि आपको ये निकालना है Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2, Z10 माइनस Z9 ऐसे करके सबका सम के बारे में कमेंट करना है। अब आप एक चीज देखिए बच्चे, एक चीज आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि Z2 माइनस Z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 दिखा रहा है। Z3 माइनस Z2 क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 एंड Z2 दिखा रहा है। ठीक है, उसी ढंग से सारे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है, और यह सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मॉडुलस सबका 1 है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेंगे, यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट सर्किल बना लेंगे। एक क्या बनाएंगे बच्चे, यूनिट सर्किल बना लेंगे। ऐसा करके आप एक यूनिट सर्किल बना लोगे। यूनिट सर्किल बनाने से क्या होगा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो यहीं पे लाई कर जाएंगे, Z1, Z2, Z3 ऐसे करके होगा। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब क्या है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब है यही सर, Z2 और Z1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। अब इसको इनइक्वालिटी कैसे सेट करूं मैं, इनइक्वालिटी सेट करने के लिए सिंपल सा चीज है, किसी को किसी से बड़ा किसी को किसी से छोटा आप ऐसा करके दिखा दो, एक रिलेशन बनाओ। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे बन सकता है, तो एक आप फॉर्मूला जानते हैं आर्क लेंथ का, फॉर्मूला कभी न कभी बचपन में पढ़े होंगे। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो जो ए बी जो डिस्टेंस होगा, जो ए बी डिस्टेंस होगा तो लेस देन होगा किसके होगा,
एबी आर्क से क्या होगा, ये लेस देन होगा, लेस इक्वल टू भी बना सकते हो, जब ए और बी जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो आर्क लेंथ और जो कॉर्ड का लेंथ होगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा सो दैट विल बी लेस इक्वल टू ए बी आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कुछ आप सोचो, लेट अस सपोज ये ए बी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर हमारा ओ है और ये रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ए बी लेंथ है, ठीक है। और ए पॉइंट पे क्या है, हमारा जेड वन पॉइंट है और बी पॉइंट पे क्या है, जेड टू पॉइंट है, फाइन। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा सो क्या हो जाएगा सर, ए बी डिस्टेंस जो हो जाएगा सो ए बी डिस्टेंस विल बी लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी आर के डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा, ये ए बी आर के डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब आप देखिए कि एक रिलेशन आपको पता होता है कि अगर ये दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, आर्क लेंथ, एल बाई आर होता है एक्चुअली फॉर्मूला, एल क्या होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, अगर आप देखो कि कोई एक सर्किल है तो सर्किल का अगर पूरा आर्क का अगर बात करेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 360, 360 मतलब 2 पाई। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा पेरीमीटर हो जाएगा इसका सर्किल का, जिसको आप सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, तो 2 पाई आर बाई आर देखो आ रहा है ना। ऐसे आप क्वेश्चन मेंसुरेशन में बनाए होंगे तो उसी टेक्निक का यहाँ पर यूज है। अब यहाँ पे यूज हो रहा है तो आपको याद रखना है, कभी भी नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे इसका फिर से इस्तेमाल हो जाएगा, फिजिक्स में भी आ सकते हैं, ओके, मैथ्स में भी यहाँ पे यूज हम लोग कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ जो है सो हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल टू ए बी लेंथ है, फाइन। अब ए बी बराबर क्या है सर, ए बी क्या है, ए बी तो मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन ही तो है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ जो है, ए बी का जो लेंथ है आर्क लेंथ, उसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस इस केस में हमारा क्या होने वाला है, तो अभी हमने बताया ओरिजिन से सारे पॉइंट्स जो है, सारे पॉइंट्स जो ओरिजिन से होंगे तो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे सारे पॉइंट होंगे। ये हमारा पॉइंट ओ है तो जेड वन और ओ के बीच का जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन जिसको आप बोलोगे, मॉड ऑफ जेड टू भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से क्या हो जाएंगे, यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन जो है सो लेस इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी हो जाएगा, ठीक है। जब आर की वैल्यू वन हो जाएगी इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ ए बी हो जाएगा, ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जेड टू माइनस जेड वन जो हो जाएगा सो लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा क्या, अब जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल क्या है, जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल क्या है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो एंगल देखने के लिए आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल कैसे देखेंगे सर, जेड वन बराबर ई की पावर आई थीटा वन है और जेड टू बराबर जेड वन इंटू ई की पावर आई थीटा टू है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ई की पावर आई थीटा से गुणा कर दोगे इसका मतलब क्या है, उसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा सो थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा, थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। टर्न होने का मतलब क्या है कि जेड वन और जेड टू के बीच का जो एंगल होगा सो थीटा टू हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली आप जेड वन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई की पावर आई क्या हो गया, थीटा वन प्लस थीटा टू। अब आप देखिए कि जेड वन जो है सो थीटा वन बना रहा है एक्स एक्सिस से, जेड टू बना रहा है थीटा वन प्लस थीटा टू, तो जेड टू और जेड वन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। आप ऐसे भी चीज को देख सकते हैं, ओके, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन क्या हो जाएगा बच्चे, मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा बच्चे, लेस इक्वल टू हो जाएगा थीटा टू के होगा सर, थीटा टू होने वाला है, थीटा वन नहीं होने वाला है, ठीक है, क्यों, हमने अभी आपको सारा कुछ बताया है। इसी ढंग से अगर हम बात करेंगे मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू, ये कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा थीटा थ्री के हो जाएगा, ठीक है।
उसी ढंग से जेड फोर माइनस जेड थ्री ये हो जाएगा लेस इक्वल टू थीटा फोर हो जाएगा। अब ऐसे 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 करते करते हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे सर, मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड नाइन ये हो जाएगा लेस इक्वल टू थीटा टेन हो जाएगा, ठीक है इतना होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या आ गया, जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड टू, जेड फोर माइनस जेड थ्री एंड जेड टेन माइनस जेड नाइन। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड टू, जेड टेन माइनस जेड नाइन, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म इधर भी दे रखा है क्या, जेड वन माइनस जेड टेन। ये तो हमको इस वाले कैलकुलेशन से नहीं आया, कौन से कैलकुलेशन से, इस वाले कैलकुलेशन से जेड वन माइनस जेड टेन नहीं आया, तो उसमें कैसे रिलेशन निकालेंगे। अब बात आती है कि जेड टेन और जेड वन के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो जेड टेन और जेड वन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आप सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि जेड टू से लेके जेड टेन तक जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो कि रिकरेंस फॉर्मूला से वहां से आया है, जेड के बराबर जेड के माइनस वन इंटू ई की पावर आई थीटा के, वही सारे टर्म्स को अपन लेंगे। इस वाले टर्म को यहाँ पे हम लोग लेने की जरूरत नहीं है, लेंगे तो फिर हमको जो लाना है टर्म वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, बस हम लोग कौन कौन सा पॉइंट्स ले रहे हैं, कौन कौन सा हम लोग टर्म्स ले रहे हैं जो कि रेकरेंस फॉर्मूला से आ रहा है। रेकरेंस फॉर्मूला से आप देखिए जेड के बराबर जेड के माइनस वन इंटू ई की पावर आई थीटा के है, वहां से जेड टू बराबर आ गया जेड वन इंटू ई की पावर आई थीटा टू, जेड थ्री बराबर आ गया जेड टू इंटू ई की पावर आई थीटा थ्री, इसी ढंग से जेड टेन आ गया जेड नाइन इंटू ई की पावर आई थीटा टेन आ गया, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, दोनों तरफ से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे दोनों तरफ, तो ये Z2 क्या होगा, इस Z2 से कटेगा, ये Z3 क्या होगा, इस Z3 से कटेगा, ये Z4 क्या होगा, इससे कटेगा, फिर ये Z9 क्या होगा, इससे वाले से कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ जो बचेगा हमारा टर्म, सो दैट विल बी इक्वल टू Z10 बराबर हो जाएगा Z1 into e की पावर i। अब यहाँ पे थीटा को जोड़ो कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो थीटा टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस टेन तक जाने वाला है, थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस डॉट डॉट थीटा टेन तक हमारा ये जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो टू से लेके टेन तक हमको यहाँ पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ओके। अब आप क्वेश्चन में देखिए दे रखा है क्या कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा टेन किसके बराबर है, टू पाई के बराबर है। तो थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर इतना दूर जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा वन के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जेड वन इंटू ई की पावर आई टू पाई माइनस थीटा वन हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जेड वन को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा वन, तो ई की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, आई थीटा वन हो जाएगा इंटू ई की पावर आई 2 पाई माइनस थीटा 1 हो गया। अब क्या हो गया, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर i 2 पाई हो जाएगा, ओके, e की पावर i 2 पाई हो जाएगा। और 2 पाई का मतलब क्या हो गया, वो 0 डिग्री हो गया, वो 2 पाई मतलब हो गया वो पूरा का पूरा घूम के वो x एक्सिस पे ही पॉइंट आ जाएगा, ओके। तो सारे पॉइंट्स हमारे कैसे लोकेटेड होंगे, सारे पॉइंट्स जो लोकेटेड होंगे इस ढंग से होंगे, z1 Z2, Z3, Z4 होंगे, यहाँ पे Z5 होगा, यहाँ पे Z6 होगा, फिर Z7 होगा, Z8 होगा, Z9 होगा और फिर यहाँ पे Z10 होगा, ओके। तो Z1 और Z10 के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, Z10 जो हो गया हमारा X एक्सिस पे ही हो गया, X एक्सिस पे होने का मतलब क्या, उसका आर्गुमेंट 0 डिग्री है, चाहे आप 2 पाई आप रोटेट कर दो, जीरो में आप 2 पाई जोड़ो, चाहे जीरो में से 2 पाई घटाओ। अगर मैं बोलूं कि आर्गुमेंट माइनस 2 पाई है तो उसका ये मतलब जीरो ही पे है ना। अगर बोलूं कि आर्गुमेंट अगर 4 पाई है तो भी उसका ये मतलब क्या होगा, रियल एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। अगर हम बात करें कि आर्गुमेंट पाई है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं कि आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी वाई एक्सिस पे होगा। अगर मैं बात करूं कि एंगल 3 पाई बाई 2 है, पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 2, अगर 270 डिग्री घूमेगा इसका मतलब क्या होगा, वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट है हमारा, ओके। यहाँ पे पॉइंट हो गया क्या, पहला हम लोग देखे थे पॉइंट वो थीटा पर था, फिर क्या हो गया, थीटा 2 पर गया, फिर तीसरा हो गया थीटा 3 पर गया, चौथा थीटा 4 पर गया, ऐसे जाते 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 लास्ट में क्या हो गया, जेड 10 पॉइंट जो है सो यहीं पे एक्स एक्सिस पे आ गया, ओके।
जब एक्स एक्सिस पे आ गया इसका मतलब क्या हो गया, जेड टेन बराबर हो गया ई की पावर आई टू पाई हो गया, फाइन। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड वन, मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड वन क्या होगा, तो जेड वन क्या है थीटा एंगल पे है और जेड टेन क्या है एक्स एक्सिस पे है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा थीटा वन ही तो होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा थीटा वन हो जाएगा। थीटा वन होने से क्या हो रहा है हमें फायदा, थीटा वन आने से हमें फायदा मिल रहा है क्या कि हम लोग ये टर्म इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जेड टेन माइनस जेड वन जो हो जाएगा सो लेस इक्वल टू हो जाएगा थीटा वन। ओके, अब आपको क्या करना है सारे टर्म्स को आपको क्या करना है ऐड करना है, ऐड करने से क्या होगा हमें सारा रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में क्या होगा मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू प्लस मॉड ऑफ जेड फोर माइनस जेड थ्री डॉट 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 मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड नाइन, ये क्या हो जाएगा लेस इक्वल टू हो जाएगा हमें थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा टेन और ये थीटा वन भी है तो थीटा वन होने के कारण क्या हो जाएगा ये टोटल थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट 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 थीटा टेन हो जाएगा। अब थीटा वन से लेकर थीटा टेन तक क्या क्वेश्चन में दे रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा टेन जो है सो टू पाई। अब इसका मतलब क्या हो गया ये लेस इक्वल टू हो जाएगा टू पाई। तो यही वाला स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट था जिसको हम लोग निकाल लिए, तो पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे ट्रू हो जाएगा, पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है। ओके, तो पी इज ट्रू ये वाला सही हो सकता है एंड बोथ पी एंड क्यू ट्रू ये भी सही हो सकता है, तो ये बी एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकेंड चीज आप देखिए तो सेकेंड में वही कर रहा है स्क्वायर कर करके सबका निकालना है हमें। अब सेकेंड वाला चीज कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले चीज को निकालने के लिए भी हम लोग यही चीज इस्तेमाल करेंगे। एक का पहले करते हैं मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड वन कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद क्या करेंगे मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस होता है मॉड ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू, ठीक है ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन मॉड ऑफ जेड टू प्लस जेड वन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आप देखते जाइए कि एक ये प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करना पड़ा है, दूसरा एक प्रॉपर्टी होगा क्या कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो होता है तो लेस इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, ठीक है ये भी चीज आपको पता होना चाहिए जिसको हम लोग ट्रेंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। अब तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये लेस इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू प्लस मॉड ऑफ जेड वन, ठीक है ये क्या हो जाएगा। अब मॉड ऑफ जेड टू और मॉड ऑफ जेड वन कितना है सारे पॉइंट्स जो है सो यूनिट सर्किल पे ही लाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स अगर यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे इसका मतलब क्या है मॉड ऑफ जेड टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टेन तक सारे के सारे वैल्यू कितना देगा वन देगा, तो ये लेस इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो लेस इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमने रिलेशन क्या कायम कर लिया, हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर इज लेस इक्वल टू टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। उसी ढंग से सारे टर्म्स आप निकाल पाएंगे जेड थ्री स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन टू टाइम्स ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू। उसी ढंग से आप क्या करेंगे लास्ट में मॉड ऑफ जेड टेन स्क्वायर माइनस जेड नाइन स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड नाइन। उसी ढंग से मॉड ऑफ
जेड टेन स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर, ये लेस देन हो जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड वन। ठीक है, सबको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे सबको। आपको क्या करना है बच्चे, ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा हमें फायदा, ऐड करने से हमको डिजायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मॉड ऑफ जेड टेन स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर, है ना। ये लेस इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू प्लस डॉट डॉट मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड नाइन प्लस मॉड ऑफ जेड टेन माइनस जेड वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही जो वाला चीज आप निकाल के रखे हुए हैं, जेड टेन माइनस जेड नाइन, जेड वन माइनस जेड टेन, जेड टू माइनस जेड वन से स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज अभी आपने देखा है कि टू पाई से क्या है, ये पूरा का पूरा चीज क्या है, लेस इक्वल टू टू पाई है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू हो जाएगा फोर पाई। अब आप क्वेश्चन में फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में दे रहा है कि ये क्यू स्टेटमेंट में ये सारे का स्क्वायर का जो डिफरेंस का मॉड जो आप लेंगे सो फोर पाई से छोटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा सी, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, तो सी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चन में हमने सीखा कि आर्गंड प्लेन जो होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, उसका एक मॉडुलस होगा, आर्गुमेंट होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर i थीटा से गुणा कर देते हैं तो उसका आर्गुमेंट थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है, डिपेंड करता है कि थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दूसरी बात हमने देखा कि इनइक्वालिटी को कैसे सेट कर सकते हैं। तीसरी बात हमने समझा कि आर्क लेंथ और जो प्रॉपर जो कॉर्ड लेंथ है उसके बीच में रिलेशन क्या है, आर्क लेंथ जो होगा सो कॉर्ड लेंथ से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब कह सकते हैं कि जो कॉर्ड का लेंथ होगा लेस इक्वल टू आर्क लेंथ होगा, इसका भी हमने भरपूर इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया कि मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड टू, मॉड ऑफ जेड थ्री, सारे पॉइंट्स को कैसे हम लोग सोच पाए कि यूनिट सर्किल पे लोकेटेड है, यूनिट सर्किल के होने के कारण सारे का डिस्टेंस ओरिजिन से वन हो जा रहा है। तो किसी भी जेई एडवांस के क्वेश्चन में आपको इस लेवल पे डीप थिंकिंग करना जरूरी है। डीप थिंकिंग आप कब करेंगे, जब आप प्रिपरेशन स्टेज में रहेंगे, डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं क्रैक होंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा जेई एडवांस में उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब पहले से उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हों और ढंग से पढ़े हों। ठीक है, और वो लेवल कब अचीव होगा, जब आप ढंग का क्लासेज अटेंड करते हैं, वीडियो लेक्चर करते हैं, लाइव क्लासेज करते हैं, डीपीवी बनाते हैं, जो भी आपके डाउट होता है वो पूछते हैं। आईआईटी फैक्ट्री 2023 के लिए जो जेई 2023 आपका होगा उसके लिए एडवांस का क्रैश कोर्स ला चुका है, और जो जेई मेन 2023 में जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है जिनका भी गड़बड़ हो गया है, कंसेप्ट से प्रॉब्लम है, तो आप भी वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 2 महीने वाले। जो भी बच्चे सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेई 2023 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो मेन का एग्जाम हो अप्रैल वाला, चाहे वो एडवांस का एग्जाम हो, तो आपके लिए हमने कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है ऑलरेडी। ये कोर्स आप देख सकते हैं, जेई मेन 2023 के लिए आईआईटी फैक्ट्री ने पूरा का पूरा लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास क्रैश कोर्स के भीतर में जस्ट आपको 6,000 रुपए में दे रहा है। ठीक है, तो आज ही अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ओके, और 2023 के लिए जेई मेन प्लस जेई एडवांस, जेई मेन जो आपका अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होगा, प्लस जेई एडवांस का भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते थे, क्योंकि ये वीडियो एडवांस के लिए हमने बनाया है आपको समझने के लिए कि एडवांस में किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना होगा, जस्ट बातें करने से और जस्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन देने से जेई एडवांस आपका कभी क्लियर नहीं होगा। जेई एडवांस को क्लियर करने के लिए उस लेवल का आपको प्रिपरेशन चाहिए होगा। ये कोर्स प्राइमरली फॉर उन बच्चों के लिए जो जेई मेन का भी तैयारी कर रहे हैं और जेई एडवांस का भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो आप 19,999 में परचेज कर सकते हैं। कोर्स कहाँ से इनरोल कर सकते हैं, या तो आप हमारे वेबसाइट को लॉग इन करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं,
नहीं तो आईआईटी फैक्ट्री को एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में आईआईटी फैक्ट्री आपने टाइप करना है और फिर टाइप करके इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद वहां पे कोर्स में जाके इस कोर्स को परचेज कर लेंगे। कोर्स को परचेज करने के बाद 5 फरवरी से हम लोग ये कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स परचेज करने के बाद 5 फरवरी से आपको लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा, जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। ये ऑफर हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग को दे रहे हैं, तो अगर आप अभी से अवेल नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि प्राइसेस में आगे चेंजेस भी आपको देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो एक अपना लाइक बटन दबा कर जाएंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काफी सारे वीडियो जो जेई एडवांस और जेई मेन क्रैक करने के लिए आपको काफी यूजफुल हो सकते हैं हम लोग डेली बेस पर लेकर आएंगे। काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस भी हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो आपका जो आईआईटी जेई का जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा और आपके लिए कंफर्टेबल भी बनाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।